देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, दो दर्जन श्रद्धालु हुए घायल। तेज रफ्तार श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में सवार 40 श्रद्धालुओं में दो दर्जन श्रद्धालु घटना में घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान श्रद्धालुओं की हालत गंभीर देख सामुदायिक चिकित्सक ने बांदा जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर रिफर कर दिया। आपको बता दें, मामला बांदा जनपद के प्रयाग रोड से सामने आया है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर गांव से भैरव बाबा दर्शन के लिए गए थे। देर शाम दर्शन कर श्रद्धालु वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में ड्राइवर ने लापरवाही के चलते ट्रैक्टर की गति तेज कर दी। गति तेज होने पर अचानक अतरा रोड के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर में सवार दो दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर कुछ श्रद्धालुओं की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रिफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन अस्पताल घायल मरीजों को देखने पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह ने मरीजों की हालत की जानकारी ली। घटना में घायल मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। ये थी विष्णु सिंह की रिपोर्ट। कुलदीप कुमार। अच्छा कुलदीप, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? 108। अच्छा, कैसे घटना हुई थी, क्या सूचना मिली है आपको? हमको सूचना मिली थी कि ट्रैक्टर से ट्रॉली पलट गई है। ये लोग दर्शन करने जा रहे थे मंदिर पे। क्या हुआ था, क्या मतलब जानकारी मिली थी कि ट्रॉली पलट गई, एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, कैसे पलटी, कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी? जी, मंदिर से जा रहे थे तिंदवारी साइड से अपने घर वापस। कितने लोग थे गाड़ी में? लगभग 35 लोग करीब थे। 35 लोग थी। तो अभी कितने आए हैं यहाँ पर जिला अस्पताल बांदा? करीब यहाँ 10 लोग आ चुके हैं। वहाँ गए थे सुजारेपुर के भैरव बाबा, गए थे सुबह पार हुए, करीबन 7-8 बजे निकल गए थे यहाँ से। तो अभी रात में इनका वहाँ से आए हैं तो एक्सीडेंट ट्रॉली पलट गई। कहाँ पे पलट गई है? अतर्रा अखुराहंड के बीच में पलटी है। अच्छा, कितने लोग थे ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर में करीबन है 30-40 लोग थे लमसम। अच्छा, कितने लोग घायल हैं? घायल 4-5 आदमी, बाकी सब लोग घायल हैं। गंभीर रूप से कौन घायल है? टूट गया है, कुछ है। गंभीर रूप से क्या लोग घायल हैं? गंभीर रूप से 4-5 लोग ज्यादा है। सब अभी बांदा के अस्पताल सवार रहे हैं, अभी रास्ते में है। कोई लोग अभी वहाँ पर पड़े हुए हैं, सब यहीं पर आ रहे हैं। कुछ एक्सीडेंट हुआ है, क्या है सर? देखिए, हमारे बांदा शहर अटैटी के रहने वाले हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से दर्शन करने गए और ये वापस लौट रहे थे, और वापस लौट समय भी ट्रैक्टर ट्रॉली का एक्सीडेंट हो गया, इसमें 4-5 लोग घायल हो गए। ऐसे भी देखा है, बच्चे को ज़्यादा चोट है और वैसे सब आउट ऑफ डेंजर डॉक्टर साहब बताया। वहाँ टीम कोई लगी हुई है, 3-4 डॉक्टर लगे हुए हैं, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और कोई भी ऐसी वो भी नहीं जीवन खतरे में। सर, क्या जानकारी, कितने लोग थे, कहाँ से लौट रहे थे? ये बताते हैं, ट्रॉली में 20-25 लोग थे, 4-5 से छूट जाए लगी है, उसमें 4 आ गए हैं, सारे भर्ती हो गए और एक बच्चा छोटा है जो उसको थोड़ा सा सर में चोट है, सब ठीक। सर, अभी घायल आए हैं तो क्या है? एक्सीडेंट हुआ था, क्या है सर एक्सीडेंट, कहाँ हुआ था? एक्सीडेंट वहाँ हुआ था सरगा के पास, ट्रॉली पर लग गई थी जी। ये कहीं वहाँ गए थे किसी देवी दर्शन के लिए और ट्रॉली पर लग गई, उसमें करीब 10-12 करीब घायल आए। सर, कुल कितने लोग ट्रॉली में थे, क्या कुछ सूचना जानकारी मिली आपको? ट्रॉली के बारे में तो इतनी सूचना, लेकिन ट्रॉली में जनरली भरे रहते हैं, तभी जाते हैं जी। जी, पलट गई है तो कुछ लोगों को तो सामान चोटे हैं, कुछ के एक्सीडेंट, कुछ के चोटे हैं, जैसे फीमर फ्रैक्चर है, फीमर फ्रैक्चर। देर रात आपने अस्पताल पहुँचे हैं देखने मरीजों, क्या स्थिति है मरीजों की? मरीजों सभी सेटल हैं, बात हुई कि नहीं? सेटल हो गए हैं, कुछ गंभीर हैं, उसी के अनुसार इलाज इनका किया जा रहा है। ठीक है। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ।